एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर वाराणसी से, ज्ञान व्यापी मामले में दो अर्जी पर आज फैसला होगा। बड़ी जानकारी, दीवार गिराने की अर्जी पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। और इसके साथ ही नंदी के सामने जो दीवार है उसको गिराने पर भी आज फैसला होगा। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता रहे हैं, तालाब से मछली हटाने पर भी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि दो बड़े मामलों पर आज सुनवाई होगी और फैसला सुनाया जाएगा। देखिए, कल 17 मई के दिन जब रिपोर्ट पेश करना था तो वकील कमिश्नर ने रिपोर्ट पेश करने के लिए जो न्यायालय से आदेश दिया है, यानी कि दो दिन की मोहलत मांगी गई, दो दिन की मोहलत दी गई। इसके साथ ही दो याचिका भी न्यायालय में डाला गया। पहला याचिका ये है जो सिविल जो वहाँ के सरकारी अधिवक्ता है उनके द्वारा डाला गया है। उनका द्वारा कहा गया है कि जो पाइपलाइन है, जहाँ शौचालय है, जहाँ वजू करते थे मुस्लिम लोग, उसे कहीं और शिफ्ट किया जाए। वही दूसरी बात यह है कि वहाँ जो मछली रखी है वो मछली कहीं मृत ना हो जाए, उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। इन पर सुनवाई होगी। दूसरा याचिका ये है कि जो महिला है, तीन याचिका करता है, उन्होंने एक नया याचिका डाला। उनका कहना है कि जो बड़े नंदी का मुख है, ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है, वो द्वार खोला जाए या तोड़ा जाए। दूसरी बात, जो शिवलिंग है, जो नई शिवलिंग मिली है वजू खाने में, उस शिवलिंग की मापी की जाए। तो इन पर आज फैसला आना है। आज मुस्लिम पक्ष के लोग इस पर आपत्ति जताएंगे। आपत्ति पर सुनवाई जिला न्यायालय वाराणसी में होगा। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के लोग आज अपनी दलीलें रखेंगे। क्या कुछ अपने दलील में मुस्लिम पक्ष द्वारा रखा जा सकता है? देखिए, कल मुस्लिम पक्ष के लोग लिखित तो नहीं लेकिन ओरल अपने अपनी बात न्यायालय से कहा। उन्होंने कहा कि जब 16 तारीख को कमिश्नरेट की कार्रवाई चल रही थी उसी समय हम लोग सारे लोग अंदर थे, कमिश्नरेट की कार्रवाई को सब कुछ पूरा करा रहे थे। तभी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता न्यायालय आते हैं और शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए आदेश आपसे ले लिए जाते हैं। आपसे आदेश ये लिया जाता है कि जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है, वहाँ पे केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिया जाता है बिना मुस्लिम पक्ष से जाने हुए। तो इस पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे कल इस पर मौखिक न्यायालय से आपत्ति किए। आज लिखित होगा, आज लिखित आपत्ति अपना न्यायालय को देंगे। जी बिल्कुल आकाश, क्योंकि लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में। जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो सबूत है उसको मिटाने को लेकर भी अर्जी दी गई है कि हो सकता है संभवतः जो सबूत है उसको मिटाने की कोशिश की जाए, इसको लेकर सुरक्षा जो है वो बढ़ाई जाए, इसको लेकर भी मांग की जा रही है। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, 16 तारीख को यही अर्जी डाली गई थी जिसके बाद न्यायालय ने आदेश दिया और जहाँ पे शिवलिंग मिला है वहाँ पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और एक बड़ी बात कि जो शिवलिंग मिला है उसे सफेद कपड़े से सीज कर दिया गया है। उसके साथ साथ आसपास सीआरपीएफ के जवान लगा दिए गए हैं। उस स्थान पे ना ही हिंदू पक्ष के लोग जाएंगे ना ही मुस्लिम पक्ष के लोग जाएंगे, उसे सुरक्षा बलों के हिरासत में रख दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही फैसला दिया कि जो जिला न्यायालय ने जो आदेश किया है जहां शिवलिंग मिला है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और जो सुनवाई होगी जिला न्यायालय के आदेश पर ही होगी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता है वो फिर से आज आपत्ति दर्ज करेंगे। उनका जो आपत्ति है आज लिखित होगा। कल जो आपत्ति था वो ओरल था, तो ओरल आपत्ति दिया गया, आज लिखित दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि एक के बाद एक जो याचिका पड़ रहा है। पहले याचिका तो सर्वे को लेकर था, सर्वे पूरा हो गया, लेकिन सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का दावा करते हुए उन्होंने शिवलिंग की सुरक्षा बढ़ा दी, ये याचिका भी सुन ली गई। और तीसरा याचिका जो मंदिर के नंदी के सामने जो दीवार है उसे तोड़ने को लेकर दिया गया। तो लगातार जो याचिका का दौर है जिला न्यायालय में पड़ रहा है। जी बिल्कुल आकाश, लगातार याचिका का दौर जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एक और याचिका भी दायर की गई थी कि एक और तहखाने को खुलवाया जाए, ऐसे में उसको लेकर भी शायद आज सुनवाई होनी है। देखिए, वही याचिका जो मैंने बताया 17 तारीख को, यानी कि कल के दिन जो तीन याचिका करता थी संजू, मंजू रेखा, उसके साथ सीता साहू, ये तीन याचिका करता कल न्यायालय जाती हैं और याचिका डालती है। उनका साफ साफ कहना है जो शिवलिंग मिला है उसकी मापी की जाए, पूजा का समय दिया जाए। दूसरी बड़ी बात,
जो नंदी है, नंदी का मुख है जो ज्ञान काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ा ऐसा नंदी का मुख है, उनका मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जाता है। तो उनका कहना है कि जो दीवाले हैं वो दीवाले को तोड़ा जाए ताकि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार से अंदर सीधे नंदी का मुख जो है सामने दिखे, जो बड़ा शिवलिंग मिले, शिवलिंग से नंदी की आमने सामने हो, ऐसा कहने का उनका याचिका है। इन याचिका पर आज सुनवाई होगा। वही कल की बात करूं जो 19 मई है, कल वकील कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन देखिए, रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात होगी, क्या रिपोर्ट में वकील कमिश्नर जो बड़ी शिवलिंग मिली है, जिसे हिंदू पक्ष के लोग कह रहे हैं शिवलिंग है, वही मुस्लिम पक्ष के लोग कह रहे हैं फवारा है। ये जो वकील कमिश्नर रिपोर्ट कल सौंपेंगे, वो देखना है मुझे कि रिपोर्ट में क्या शिवलिंग की बात जिक्र होती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल आकाश, आपने जो अभी बात कही है कि हिंदू पक्ष द्वारा शिवलिंग करार दिया जा रहा है, वही मुस्लिम पक्ष द्वारा इसे फवारा किया जा रहा है, लेकिन जब टेस्ट किया गया था फवारे से पानी जब नहीं निकला, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष यही साबित करने में नाकाम रहे थे। देखिए, जब सबसे बड़ी बात, जब 15 तारीख की बात थी जब सर्वे की टीम अंदर पहुंची थी, हालांकि 14 से सर्वे जारी हो गया था, 15 तारीख के दिन दोनों पक्षों में आपत्ति जताई गई। मुस्लिम हिंदू पक्ष के लोग ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि जो ये तालाब है, तालाब का पानी निकाला जाए, अंदर भी वीडियोग्राफी होगी, तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मना कर दिया। हालांकि कुछ देर तनातनी हुई, 16 तारीख को फिर सर्वे की टीम जाती है, तालाब का पानी निकलवाती है, मछली को सुरक्षित रखवाती है। उसके बाद जब अंदर सर्वे करने की बात आई, तो बड़ा सा जो शिवलिंग की बात कही जा रही हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा, इससे पूछा गया कि ये पत्थर किस लिए है, तो मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा कहा गया कि ये फवारा है। तो हिंदू पक्ष के लोगों द्वारा कहा गया यदि फवारा है तो इसे चालू करिए, तो मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना कि ये फवारा अभी चालू नहीं होगा, ये 50 साल से बंद है। तो हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा कि ये फवारा है, 50 साल से बंद है, तो इसका कनेक्शन दिखाइए कि कनेक्शन कहां से फवारे से पानी आता है, दूसरी बात इसमें छेद दिखाइए जहां से पानी निकलता है। तो मुस्लिम पक्ष के लोग इस बात को नजरअंदाज कर जाते हैं, जिसके बाद परिसर में अंदर की जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, परिसर में हर हर महादेव का उद्घोष होता है। उसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता बीमारी का बहाना कर वो बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकल के न्यायालय में सबसे पहले एक अर्जी डालते हैं, निवेदन करते हैं कोर्ट से कि ज्ञानवापी परिसर में एक बड़ा शिवलिंग मिला है जिसकी लंबाई 12 फुट 8 इंच है, उसको सुरक्षित तोड़ेंगे, मड़ोड़ेंगे, कहीं रखेंगे, उसको लेकर आदेश आ गया। शाम को आदेश आ गया, न्यायालय ने आदेश दे दिया और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे परिसर को सील कर दिया जाता है। इसी को आपत्ति करता है जो याचिका, वो याचिका लाती है 17 मई को कि जो शिवलिंग मिला है, जो दीवार है, जो मंदिर है, लगे उसको हटाया जाए ताकि नंदी का सामना भगवान भोलेनाथ से होगा। 350 साल से बाबा अब विश्वनाथ नहीं मिलना है, ये अर्जी में लिखा गया, याचिका में लिखा गया। तो याचिका की सुनवाई के लिए आज की तिथि नियुक्त की गई है, तो साथ ही मुस्लिम पक्ष के लोगों से आपत्ति मांगी गई है कि आप लोग इससे आपत्ति। बिल्कुल आकाश, क्योंकि देखिए लगातार याचिका जो है वो दायर की जा रही है, ऐसे में कोर्ट ने ये फैसला सुना है कि शिवलिंग को तो सुरक्षित रखा ही जाएगा, साथ ही मुस्लिम पक्ष को वहाँ पर नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। तो ऐसे में दोनों फैसले जब सामने आते हैं तो वहाँ पर माहौल कैसा है और तस्वीरें कैसी देखी जा सकती है? देखिए, काशी वो जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों एक त्योहार को दोनों लोग मनाते, चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा। यहाँ गंगा जमीन पर स्थित है, हालांकि ज्ञानवापी के अंदर शिवलिंग मिला है, ये काशी ही नहीं पूरा देश जा चुका है, लेकिन काशी में ऐसा कुछ माहौल नहीं है। काशी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, दोनों पक्ष न्यायालय की है, इनका कहना है कि न्यायालय जो आदेश करेगा हम लोग न्यायालय की बात करें, वही पे हिंदू रहते हैं वही पे मुस्लिम रहते हैं, लेकिन न्यायालय जो निर्देश करे, न्यायालय जो आदेश करे, न्यायालय कहे तो पूजा करना चालू कर देंगे। लेकिन आपस में मतभेद नहीं है, काशी की जो मिसाल दी जाती है गंगा जमीन पर, वो मिसाल काशी में अभी बरकरार है। काशी के अलावा और कहीं और की बात थी तो अब तक दंगे हो गए थे, लेकिन काशी का जो माहौल है, काशी का माहौल एकदम अलग है। काशी का जो मिसाल है हिंदू मुस्लिम भाई की मिसाल दी जाती है, काशी का जो मिसाल है, काशी में एक चाहे ईद हो चाहे दिवाली है, दोनों धर्म को ले मिलकर त्यौहार मनाते हैं। यही वजह है कि न्यायालय की ओर सबकी निगाहें, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, चाहे हाई कोर्ट की बात की जाए, चाहे खुद जिला न्यायालय की बात की जाए, मुकदमे एक तो पेंडिंग नहीं है, मुकदमे कई पेंडिंग है, काफी विश्वास और ज्ञान अभी बोले तो मुकदमे कई पेंडिंग है, सबका निगाह न्यायालय की ओर, उनका सब कहना है कि जो न्यायालय कहेगा
के आधार पे कार्रवाई होगी। हम लोग न्यायालय की बात बिल्कुल आकाश सबकी निगाहें न्यायालय के ऊपर टिकी हुई है कि क्या कुछ फैसला सामने आता है, ऐसे में सुनवाई को लेकर क्या कुछ समय निर्धारित क्या क्या है और इस सुनवाई के दौरान क्या दोनों पक्ष के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे? जो दावा है कि जो याचिका में इन्होंने जो दिया है हिंदू पक्ष के लोगों ने इनका साफ तक कहना है कि भाई हमारे दफ्तर को जन हो जाए दिल्ली में उसकी माफी की जाए, टीम बना के सर्विस किया जाए, ये मांगी को लेकर आज आदेश आएगा, सुनवाई होगी। तो दोनों पक्ष के लोग न्यायालय में बिल्कुल उपस्थित हो और न्यायालय में दोनों पक्षों को बुलाया गया। बिल्कुल आकाश तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी, दीवार गिराने की अर्जी पर आज सुनवाई होगी, नंदी के सामने दीवार गिराने पर फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें तालाब से मछली हटाने पर भी कोर्ट फैसला सुनाएगा और ज्ञानव्यापी मामले में दो अर्जी पर आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें लगातार ज्ञानव्यापी मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में दो नई याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की जहाँ पर दीवार गिराने की अर्जी पर भी आज फैसला आएगा और इसके साथ ही नंदी के सामने दीवार गिराने पर भी फैसला होगा। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें तालाब से मछली हटाने पर भी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा और ज्ञानव्यापी मामले में दो अर्जी पर आज जो फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी ज्ञानव्यापी मामले में दो अर्जी पर आज सुनवाई होनी है और इस पर आज फैसला आएगा, दीवार गिराने की अर्जी पर भी फैसला होगा। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता दें जहाँ पर नंदी के सामने दीवार गिराने पर फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं तालाब के मछली हटाने पर भी कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी ज्ञानव्यापी मामले में दो अर्जी पर आज फैसला होगा और इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां ज्ञानव्यापी मामले में दो अर्जी पर आज फैसला होगा। दीवार गिराने की अर्जी पर फैसला सुनाए की कोर्ट, बड़ी जानकारी आपको बताते हैं नंदी के सामने दीवार गिराने पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जहां आज दो मसलों पर सुनवाई होगी और ज्ञानव्यापी मामले में दो अर्जी पर आज फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दीवार गिराने की अर्जी पर भी आज फैसला सुनाया जाएगा, वही नंदी के सामने दीवार गिराने पर आज फैसला होगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि बड़ी जानकारी आपको बताते हैं दीवार गिराने की अर्जी पर भी आज फैसला होगा, नंदी के सामने दीवार गिराने पर फैसला किया जाएगा, तालाब के मछली हटाने पर भी कोर्ट फैसला सुनाएगा। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं ज्ञानव्यापी मामले में दो अर्जी पर आज सुनवाई होगी और फैसला आएगा। बड़ी जानकारी आपको बताते इस वक्त की बड़ी खबर दीवार गिराने की अर्जी पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, बड़ी जानकारी आपको बताते जहां पर आपको बताते कि ज्ञानव्यापी मंदिर मामले में आज दो नंदी के सामने जो दीवारें उसको गिराने पर फैसला होगा और तालाब से